गाइस कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अहमदाबाद मेट्रो के अंदर आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें वहां पे नहीं करनी और क्या क्या चीजें वहां पे ले जाना अलाउड है या नहीं है। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डू, वहां पे हमें क्या करना है। पहला जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ, इन केस यू हियर और सी समथिंग अनयूजुअल प्लीज इन्फॉर्म द मेट्रो स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सनल इनसाइड द ट्रेन और स्टेशन। मतलब अगर वहाँ पे आप कुछ सुनते हो या फिर किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हो या तो कुछ आपको गलत दिखता है वहाँ पे, तो आप जाते ही ऑन द स्पॉट मेट्रो स्टाफ जो है वहाँ पे जो भी जो वहाँ पे लोग संभाल रहे हैं वहाँ पे आप जाके उनको इन्फॉर्म कीजिए। स्टैंड इन द क्यू वाइल वेटिंग फॉर द ट्रेन एट प्लेटफॉर्म। मतलब कि इसका कहना ये है कि आप लाइन में खड़े रहिएगा जब तक ट्रेन नहीं आती है, इधर उधर ना जाइए। थर्ड जो है वो है, लेट पैसेंजर एग्जिट फ्रॉम द ट्रेन बिफोर बोर्डिंग। मतलब कि जब वापिस ट्रेन आती है, मेट्रो यहाँ से आती है, तब जो वहाँ के अंदर जो पैसेंजर होते हैं उनको आप पहले निकलने दीजिए, फिर आप अंदर जाइए। फिर थर्ड है, नेवर स्क्वैट ऑन द ट्रेन फ्लोर। मतलब कि शायद से इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे आप बैठे नहीं, आई थिंक। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है, लिमिट योर बैगेज टू 25 kg, नॉट एक्सीड टू 80 cm, 50 cm ब्रेथ और 30 cm हाइट इन द साइज। लगेज एक्सीडिंग सच वेट और डायमेंशंस आर नॉट अलाउड। मतलब कि आप जो अगर अपना सामान लेके जा रहे हैं वो 25 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 80 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ बड़ी नहीं होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर ब्रेथ समझ नहीं आया, 30 सेंटीमीटर हाइट जो है, मतलब ये जो दिए हुए उसी के अंदर आपका जो बैग है वो होना चाहिए। जो लगेज अगर इसके 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के बाहर गया तो वहाँ पे आपको अलाउड नहीं किया जाएगा बैग के साथ। Avoid reading newspaper or cross leg in the crowd train as it leaves less space for the fellow passengers. मतलब कि आप अंदर newspaper नहीं पढ़ सकते और आपको ऐसे cross leg करके बैठना नहीं है क्योंकि जो train के अंदर crowd होता है उन्हें आने जाने में तकलीफ ना हो। उसके बाद है, abstain from drunken and unruly behavior। मतलब आपको अंदर दारू नहीं पीना है या कुछ भी liquid नहीं पीना है और गलत व्यवहार नहीं करना है। उसके बाद है, watch the gap between train and platform edge। मतलब कि अगर आप समझिए आप जा रहे हैं और आपको क्या रखना है, जो ट्रेन आज जो मेट्रो आती है और उसके बीच में आपको डिस्टेंस बना के रखना है। इट इज़ इनलीगल टू बैग सो स्लीप प्रोडक्ट और कंडक्ट ग्रुप एक्टिविटीज इन द ट्रेन एट द स्टेशन प्लीज रिपोर्ट सच एक्टिविटीज टू द स्टेशन स्टाफ। मतलब वहाँ पे भीख मांगना गलत है और आपको अपने ग्रुप के साथ वहाँ पे स्टेशन पे या ट्रेन के अंदर कुछ भी मस्ती मजाक वगैरह कुछ भी है वहाँ पे कुछ अलाउड नहीं है। अगर कुछ ऐसे दूसरों को एक्टिविटी दिखती है तो वो वहाँ पे जाके मेट्रो जो स्टेशन जो संभालते हैं लोग वहाँ पे स्टाफ को जाके वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है, प्लीज़ बी श्योर टू टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स विथ यू व्हेन यू गेट ऑफ द ट्रेन। इफ़ यू लूज समथिंग विद इन मेट्रो प्रीमिसेस कॉन्टेक्ट GMRC लॉस्ट एंड फाउंड सेल। मतलब कि अगर समझिए अगर आपको स्टेशन पे कुछ भूल जाते हैं तो आपको क्या करने का है, वहाँ पे जाके जो GMRC लॉस्ट एंड फाउंड सेल है, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ बनाया है वहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं मेरा स्टेशन पे ये खोया है, आप प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए ये ढूंढने में, तो ये चीज़ वहाँ पे ये काम आएगी। अब वहाँ पे डोंट, मतलब वहाँ पे अब हमें क्या नहीं करना है वो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसमें ये है, डू नॉट स्प्लिट और थ्रो गार्बेज विद इन मेट्रो प्रीमाइस। मतलब वहाँ पे आपने थूकना नहीं है और वहाँ पे कचरा फैलाना नहीं है। वहाँ पे कुछ खाने की आइटम, पीने की आइटम, पानी ले जा सकते हो ठीक है, वो वहाँ पे नहीं ले जाना है। डू नॉट ईट और ड्रिंक इन साइड द ट्रेन पेड एरिया ऑफ द स्टेशन। मतलब ट्रेन के अंदर ये सब चीज़ें नहीं करनी, खाना नहीं है, पीना नहीं वगैरह। जानवर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, थूकना भी अलाउड नहीं है, स्मोकिंग नहीं कर सकते। डू नॉट ट्रैवल विदाउट वैलिड टोकन मीडिया, मतलब आप विदाउट टिकट अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। टिकट बैरियर है, मतलब जहाँ से टिकट मिले वहाँ से आपको कूद के नहीं जाना है, बड़ा अजीब है। अपना जो टिकट है, डू नॉट शेयर योर टिकट मीडिया विद अदर पर्सन ऑन द सेम जर्नी, मतलब अपना टिकट आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। फिर डू नॉट स्टेप ऑन द मेट्रो ट्रैक, जो मेट्रो की जो ट्रैक है वहाँ पे आप खड़े मत रहिए क्योंकि वहाँ पे 750 वोल्ट का DC करंट आता है, मतलब आप चाहे तो चिपक भी सकते हैं वहाँ पे अगर आपकी इच्छा हो तो। डू नॉट ट्राई टू ओपन डोर फोर्सिबली, मतलब कि आपको जो उसका जो ट्रेन का जो डोर है वो आपको जोर से नहीं खुल रहा है, मतलब समझ लो तो आपकी खुल जाएगी वहाँ पे। वहाँ पे कोई टाइप के पोस्टर्स नहीं लगाने, कुछ भी चिपकाना विपकाना कुछ भी नहीं है, ना तो वहाँ पे कुछ खेलना है ना तो वहाँ पे दौड़ कूद करनी है, वो कोई
ओलंपिक का यार्ड नहीं जो आप जाके वो करोगे। डू नॉट लीन और पुट योर हैंड्स ऑन द ट्रेन डोर्स। आपको वहाँ के जो ट्रेन के डोर्स होते हैं वहाँ पे ऐसे हाथ रख के खड़ा नहीं रहना है आपको। उसके बाद डू नॉट रश ऑन प्लेटफॉर्म और पुश अदर पैसेंजर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। मतलब धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से जाने का और आराम से खड़े रह के ट्रेन का सफर करने का, इनका कहने का मतलब ये। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लिस्ट ऑफ आइटम प्रोहिबिटेड विद मेट्रो प्रमाइसिस। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप मेट्रो के अंदर नहीं रह सकते। पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स। पेट्रोलियम मतलब जो ऐसी चीज़ें जो मतलब कि आग पकड़ सकती, जैसे कि स्प्रे हो गया, साथ में पेट्रोल भी आप नहीं लेके जा सकते। इनफ्लेमेबल सॉलिड्स। इनफ्लेमेबल सॉलिड्स मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आग पकड़ ले, मतलब उसका मतलब होगा। फिर लिखा है रैग्स इंक्लूडिंग ऑयल रैग्स। मतलब ऑयल की कोई चीज़ें, जैसे कोई ऑयल की कोई थैली हो गई, समझो कुछ खाना लेके जा रहे हो, कुछ ऑयल वॉयल टपक रहा है वगैरह कुछ भी। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस का आइडिया नहीं है। पॉइजनस सब्सटेंस मतलब कोई टॉक्सिक चीज़ें आप नहीं ले सकते, जिसमें कोई रेडिएशन निकल रहे हो वो भी अलाउ नहीं है। एसिड एंड अदर कोरोसिस मतलब एसिड टाइप कोई चीज़ें ऐसा हो कि जिससे कुछ खराब हो सकता है, वो भी आप नहीं जा सकते। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मतलब कि जिससे कुछ गलत या खराब रेडियो एक्टिव मतलब कुछ गलत किरणें निकल रहे, वो भी आप नहीं जा सकते। खून, खून नहीं ले जा सकते, पर आदमी खून के साथ भरा हुआ चल सकता है। फिर बोन्स एक्सक्यूटिंग ब्लीच एंड क्लीन बोन्स। हड्डियां नहीं ले जा सकते, कुत्तों की हड्डियां, इंसानों की हड्डियां, कुछ नहीं ले जा सकते। गैसेस कंप्रेस लिक्विफाइड और डीजल अंडर प्रेशर। गैसेस मतलब सीएनजी का आप जो बोलते हैं ना अपने घर में यूज करते खाने के लिए, वो नहीं ले जा सकते। क्या सीएनजी का डब्बा, सीएनजी का डब्बा क्या, वो एलपीजी का सिलेंडर। उसके बाद जैसे कि छोटे जो गैस के लिए जो यूज होते हैं वो आग लगाने के लिए, कुछ भी मतलब आप समझ जाइए। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस विच पोजेस रिस्क ऑफ एक्सपोज और फायर बोथ। आपको अंदर कुछ भी एक्सप्लोजिव चीजें मतलब बॉम्ब कुछ भी नहीं ले जाना है। आपको ऐसी चीजें ले जानी है जो कि अंदर जाके सुथड़ी बॉम्ब तो मेहरबानी करें कभी मत लेके जाना, ना तो कोई पटाखे लेके जाना, क्योंकि अभी दीपावली का टाइम आ रहा है, जो भी जाओ सोच समझ के जाना। अब नेक्स्ट है एनी डिकेड एनिमल और वेजिटेबल मैटर। मतलब कि अगर आपके पास कोई जानवर मरा हुआ है, अगर आप उसको लेके घूम रहे हो, यार ये तो सीधी सी बात है यार, वो तो कोई ट्रेन में भी नहीं लेके जाता है, ना तो कोई साथ में लेके घूमता है, मेट्रो में तो कौन लेके जाएगा यार। और खराब सब्जियां फल फ्रूट आपको नहीं ले जाना। उसके बाद है ह्यूमन एशेज, जो इंसान स्वर्गवास हो गया, आप उसका जो है एशेज वो आप गंगा में बहाने जा रहे, तो आप प्लीज़ मेट्रो में ना जाइए, क्योंकि वहाँ पे वो भी चीज़ें अलाउड नहीं है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओ माय गॉड, आप इंसानों के कोई भी जात के पुर्जे आप नहीं ले जा सकते। हाथ पांव टांग मुंह आंख ना कुछ भी नहीं ले जा सकते, जो चीज़ ले जाना वो भी ले जा सकते, बस इंसान जीता जाता जा सकता है, मरा हुआ इंसान के कोई भी पुर्जे आप ले जा नहीं सकते, नहीं तो आपको वहाँ से भगा देंगे। ह्यूमन स्केलेटन, अस्थि पंजर भी नहीं ले जा सकते मरे हुए इंसान का, ह्यूमन स्केलेटन यार वो कौन ले जाएगा यार, कोई साथ में लेके घूमता है क्या, कुछ भी लिखते। एनी अदर आर्टिकल डिक्लेयर्स एज ए डेंजरस और ऑब्सेंस मटेरियल बाय द मेट्रो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम, बस खत्म। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ फुल टू शेयर करना। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।